वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम में ईथर ग्रुप लेंगे और एल्कीन एंड एल्काइन की नोमेनक्लेचर भी लेंगे। तो सबसे पहले ईथर, ईथर के लिए हम लिखते हैं एल्कोक्सी एल्केन। तो ईथर के एग्जांपल्स वन बाय वन। फर्स्ट एग्जांपल, इसमें ईथर की जब भी नेमिंग करें तो जो स्मॉलर ग्रुप है ऑक्सीजन के साथ, जो स्मॉलर ग्रुप है उसको एनसर्किल कर लेना चाहिए, जिससे हमें इसकी नेमिंग इजी हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे तो सेम ग्रुप्स हैं, एक को हमने एनसर्किल कर दिया, तो जो ये ऑक्सीजन के साथ है ये एल्कोक्सी एल्केट के अकॉर्डिंग मैथॉक्सी, और ये एक कार्बन का इसलिए मिथेन, तो मैथॉक्सी मिथेन। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब हम इसमें जो ऑक्सीजन के साथ स्मॉलर ग्रुप है उसको एनसर्किल कर लिया है, अब इसके लिए मैथॉक्सी, और ये टू कार्बन चेन है इसलिए एथेन, तो मैथॉक्सी एथेन। देन नेक्स्ट एग्जांपल, वही ऑक्सीजन के साथ जो स्मॉलर ग्रुप है उसको एनसर्किल कर लेते हैं, और उसके बाद जो मेन कार्बन चेन हमें मिलेगी उसकी नंबरिंग कर देंगे। तो नंबरिंग हम इधर से भी कर 1 2 3 करेंगे तो भी 2 पे आएगा मेथॉक्सी, और इधर से करेंगे तो भी 2 पे मेथॉक्सी आएगा, इसलिए दोनों साइड से ही कर सकते हैं। तो 2 पे आपका मेथॉक्सी है इसलिए 2 मेथॉक्सी, और 3 कार्बन चेन ये है इसलिए 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। देन नेक्स्ट एग्जांपल, वही ऑक्सीजन से अटैच जो स्मॉलर ग्रुप है उसको हम एनसर्किल कर दें, जिससे हमारी मिस्टेक भी नहीं हो नेमिंग में, और अब इसकी नंबरिंग कर देंगे। तो 1 2 3, अब आप देखिए सेकंड जो पोजीशन है उस पर एक तो आपका मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट मैथिल जुड़ा हुआ है। तो मेथॉक्सी और मैथिल में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे, तो जिसमें मेथॉक्सी पहले आता है इसलिए हम लिखेंगे 2-methoxy-2-methyl-propane, 3 कार्बन चेन के लिए प्रॉप और प्राइमरी सफिक्स आपका एन, तो कंप्लीट नेम हो गया 2-methoxy-2-methyl-propane। इस तरह से ईथर के जब भी हम नोमेनक्लेचर करें तो ऑक्सीजन से अटैच स्मॉलर ग्रुप को सेलेक्ट कर लें तो ये काफ़ी इजी हो जाता है। देन नेक्स्ट हम लेंगे एल्कीन एंड एल्काइन। तो एल्कीन एंड एल्काइन का पहले तो हमें प्रायोरिटी ऑर्डर, जैसे फुल प्रायोरिटी ऑर्डर ये रहता है, फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, एंड लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, रूल अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, वैसे स्ट्रेट चेन है ये लॉन्गेस्ट हो गई। अब इसमें नंबरिंग, तो प्रायोरिटी हमेशा डबल बॉन्ड को देंगे, तो नंबरिंग डबल बॉन्ड साइड से होगी 1 2 3 4 5, 5 कार्बन चेन हो गई इसलिए इसके लिए रूट वर्ड हो जाएगा पेंट, और जो डबल बॉन्ड है वो 1 और 2 के बीच में है, तो जो स्मॉलर नंबर लेते हैं हम तो 1E, और यहाँ पे आइन जो है 4 और 5 के बीच में है तो 4-ion। अब इसमें प्रीफिक्स कुछ है नहीं और कार्बन चेन हमारी 5 कार्बन्स की है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले पेंट। अब प्राइमरी सफिक्स इसमें ईन और आइन 2 हैं, तो पहले ईन की पोजिशन बतानी है, ईन 1 पे है तो 1-ene, और दूसरा आइन है वो 4 पोजीशन पे है तो 4-ion। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 1-pentene-4-ion, दोनों ही करेक्ट हैं इसमें। देन नेक्स्ट एग्जांपल, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, एंड नंबरिंग डबल बॉन्ड साइड से होगी 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन चेन 6 कार्बन्स की है इसलिए रूट वर्ड इसके लिए हैग्स हो जाएगा। और इसमें आप देखिए 4th पोजीशन पे मेथिल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे प्रीफिक्स भी आएगा, तो हम पूरा फ्रेमवर्क फॉलो करेंगे। सबसे पहले प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स को लिख दीजिए 4-methyl, और इसमें जो मेन कार्बन चेन है वो 6 कार्बन्स की है इसलिए हम हेक्स,
और फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है हेक्स वन ईन, और ट्रिपल बॉन्ड फिफ्थ पोजीशन पे है वन ईन फाइव आइन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो इसका फाइनल नेम हो गया फोर मैथिल हेक्स वन ईन फाइव आइन। अब जैसे हमने ऊपर किया है वैसा हम इसमें भी कर सकते हैं, फोर मैथिल वन हेक्सीन फाइव आइन। बोथ आर करेक्ट। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबरिंग डबल बॉन्ड साइड से करनी है वन टू थ्री फोर फाइव। फाइव कार्बन चेन है इसलिए इसके लिए रूट वर्ड पेंट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट इसमें कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो सिमिलरली इसी की तरह इसकी नंबरिंग हो जाएगी, नेमिंग हो जाएगी पेंट वन इन थ्री आई। और इसमें भी हम जैसे दूसरा तरीके से भी लिख सकते हैं वन पेंटीन थ्री आई, तो बोथ आर करेक्ट। तो इसके साथ हमारा एल्किन एंड एल्काइन का नॉमनक्लेचर और ईथर का नॉमनक्लेचर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।